मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? इस पे लिखा हुआ है मेरे हस्बैंड के साथ रहेगी और जब तू प्रेग्नेंट हो जाएगी ना तो तू अपना बच्चा मुझे दे देगी। तुझसे यही उम्मीद है। कैसे सोच लिया आपने ये? इस रिश्ते को आप क्या नाम दे रहे हो? अपनी बहन को अपने पति से प्रेग्नेंट करवा रहे हो? एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को प्रेग्नेंट कराना चाहती है अपने पति से, बदले में 5 लाख रुपए देना चाहती है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। और ये एग्रीमेंट लेके आइए, एक प्रेगनेंसी कराएंगी। समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो यार? अरे क्या समझूं मैं यार, मेरे को नहीं करना ये, मेरे को कलेश ही नहीं चाहिए। बट अगर एग्रीमेंट मैं करवाना चाह रही हूँ तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? बच्चा मुझे नहीं हो रहा, मैं मामा नहीं बन पा रही हूँ। जब डॉक्टर ने मना कर दिया तो कर दिया, मेरे को इसमें कलेश नहीं चाहिए। डॉक्टर ने क्या बोला कि मैं माँ नहीं बन सकती? ये तो नहीं बोला कि आप बाप नहीं बन सकते? मुझे चाहिए ही नहीं है, मैं क्या करूंगा इसका? आपको नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ना। मुझे नहीं चाहिए, मुझे कलेश सर मुझे चाहिए। मैं अपनी, हाँ जी भाई, वीडियो में जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं रम्मी के बारे में, जहाँ पे आप घर बैठ के 1000 रुपए कमा सकते हो, क्योंकि रम्मी पे मैं खुद गेम खेल के 1000 रुपए कमाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे गेम के ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि रम्मी, तीन पत्ती, ड्रैगन फाइट। और रम्मी जो है इंडिया का ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको सिंपल जाके गेम खेलने और बहुत सारे पैसे कमाने हैं। और इसको खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके क्लिक करो और रजिस्टर करो, पैसा कमाओ। और गेम कैसे खेलते हैं और कैसे पैसे कमाते हैं, आ जाओ मैं बताता हूँ। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, नंबर डालना है। नंबर हमने डाल दिया, यहाँ पे हमारे पास आएगा ओटीपी, हमने ओटीपी डाल दिया। यहाँ पे हमें 40 रुपए का बोनस मिल चुका है, आप देख सकते हो, जिसको हम रेफरेंस करके अपना बोनस डबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लो, बोनस आपके सामने मिल चुका है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अपने अकाउंट से इसमें पैसे डाल रहा हूँ, जो कि मैं किसी भी तरीके से डाल सकता हूँ, UPI, पेटीएम, गूगल पे से। 50 रुपए मैं यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ आपको, डाल दिए। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, अपनी फेवरेट गेम सिलेक्ट करनी है। अब आपकी कोई भी फेवरेट हो सकती है, मेरी फेवरेट है रॉकेट। तो यहाँ पे देख लो, मैं आप सभी के सामने रॉकेट गेम को सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे गेम कर ली मैंने सिलेक्ट और यहाँ पे मैंने लगा दिया 1000 रुपए। अब जहाज जितना ऊपर जाएगा उतने डबल पैसे मैं कमाऊंगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जहाज ऊपर जा रहा है, 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 जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि मैं कमा चुका हूँ कितने, 2120 रुपए, और मैंने बेट लगाई थी 1000 रुपए की, तो मेरा कितना डबल फायदा हुआ। यहाँ पे देख सकते हो आपको लाइव सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे कभी भी दिक्कत परेशानी हो तो आप अपने कस्टमर से बात करके प्रॉब्लम सोल्व करा सकते हो। यहाँ पे आप विड्रॉ करना भी बहुत आसान है, क्या करना है, आप अपने UPI या फिर बैंक अकाउंट से भी विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ भी आप कर सकते हो। अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपनी UPI ID डालनी है और उसके बाद आपके पैसे तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो देरी क्यों कर रहे हो, अभी जाके डाउनलोड करो और बहुत सारे पैसे कमाओ। हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। बहन से एग्रीमेंट करवाऊंगी, उसे 5 लाख रुपए दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? और वो मुझे अपना बच्चा देगी। कैसी बेमतलब की बातें कर रही हो? क्या बेमतलब की बातें? सोच समझ रही हो, क्या कह रही हो तुम? मैं आप ही बताओ ना भाई, अगर कहीं और से बच्चा लेने से अच्छा है, अगर मेरी बहन से मुझे बच्चा मिल जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? तो आप ये चाहते हो कि आपके हस्बैंड आपके हस्बैंड अपनी साली के साथ रह के बच्चा करके आपको दें? हाँ, और मैं अपनी बहन से ये तुम सुन पा रही हो, तुम क्या कह रही हो? मैं सुन पा रही हूँ, मैं समझ रही हूँ, मुझे नॉलेज है कि मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी बहन से मैं एग्रीमेंट कराऊंगी। आप अपने हस्बैंड को अपनी बहन के साथ ही शेयर करने के लिए बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है? इतना कॉन्फिडेंटली बोल रही हैं, इसमें गलत क्या है? तो आप बच्चा एडॉप्ट भी तो कर सकते हो, इतने सारे हजारों तरीके हैं यार। ठीक है, तरीके हैं। मान लो हमने किसी का बच्चा ले लिया, कल को वो बड़ा होगा, जब उसको पता चलेगा हम उसके सगे माँ बाप नहीं है, तो वो क्या हमें लात मार के घर से बाहर तो कर मत देना है? करो भाई, चाहिए ही नहीं है। क्यों चाहिए सरदर्द? जब मेरी बहन का खुद का बच्चा होगा, अपने घर की बात घर में रहेगी, तो क्या इसमें गलत है? और उसके लिए मैं अपनी बहन को 5 लाख रुपए भी दूंगी। तो ये क्या लेके आए हो आप? ये पेपर है एग्रीमेंट के लिए। बहुत अच्छा काम है ये, एग्रीमेंट के पेपर है आप लोगों के। और ये नखरे दिखा रहे हैं, इन पे साइन करने के लिए। मैं अपनी बहन को फोर्स करूंगी, उसको मैं एग्री करूंगी। भाई एक मिनट, ये यहाँ पे जो ये फाइल देख रहे हो, जो फाइल के अंदर के आप पेपर देख रहे हो ना, ये पेपर हल्के पुल्के पेपर नहीं है भाई। ये जो लड़की देख रहे हो, ये जो लड़का देख रहे हो ना, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अभी आपको मुद्दे की बात बता देता हूँ। मुद्दे की बात क्या है, ये फाइल में पता है क्या लिखा हुआ है? इसने ये लिखा है कि इसकी छोटी बहन के साथ ये एग्रीमेंट कराएगी, अपने हस्बैंड को उसके साथ 2 महीने रखेगी जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। जब इसकी छोटी बहन इसके पति से प्रेग्नेंट हो जाएगी तो बदले में 5 लाख रुपए ये उसको देंगे बच्चे के नाम पे। हाँ, और हम मैं उसको अपने घर में रखूंगी और इसके नाम पे ये जो है अपने हस्बैंड से यहाँ पे साइन करवाना चाहती है, और इसके हस्बैंड साइन नहीं कर रहे। ये नहीं चाहते कि अपनी साली के साथ कुछ भी ऐसा करें। और
साली मतलब अपने अपनी बहन को बताया कि मतलब मैं तेरे साथ ये सब कराना, मैं उसे यहाँ पे बुलाऊंगी और उसे मनाऊंगी, उसे एग्री करूंगी मैं। मतलब एक अपनी सगी बहन, अपनी सगी बहन का एग्रीमेंट करा रही है अपने पति के साथ सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए, और बदले में बच्चे के नाम पे 5 लाख रुपए देने के लिए। ये सगी बहन बैठी हुई है, कोई सोतेली बहन नहीं है, कोई बुआ चाचा का कोई सीन नहीं है। तो इसमें गलती क्या है? और कल के दिन अगर यही पति इसकी छोटी बहन के साथ कोई अफेयर बनाता, उसके साथ बात करता ना, तो इसका कलेश पता है कहाँ पे होता? सीधा डिवोर्स पे जाके खत्म होता। भाई वही जिसने भी बोला है ना, सही बोला है। अगर लड़की कुछ करे तो वो सब सब बढ़िया, लड़की ने करा कुछ गलत काम तो भी बढ़िया, उसकी ज़रूरत होगी, उसकी मजबूरी होगी, ऐसे बातें बोल के लोग टाल देंगे। और वहीं पे अगर लड़का मजबूरी में अगर बात भी करता है ना हाय हेलो, तो उसके यहाँ से पकड़ा जाता है गले से कि तूने हाय हेलो भी क्यों किया, तूने उसको बर्थडे विश भी क्यों करा। और यहाँ पे एक सगी बहन अपनी सगी बहन का एग्रीमेंट करा रही है कि उसका पति उसके साथ 2 महीने रह के बच्चा चाहिए इसको, और बदले में अपनी सगी बहन को बच्चे के नाम पे 5 लाख रुपए देंगी। शर्म आ रही है आपको? हर लड़की का सपना होता है कि वो माँ तो बने, सपना आप अपना पूरा करो ना। नहीं हो सकता, हमने सारे। अच्छा एक बात बताओ, सुनो आपने अपनी छोटी बहन का एग्रीमेंट करा दिया अपने पति के साथ, कल के दिन मान लो आपके पति ने आपकी छोटी बहन को प्रेग्नेंट भी कर दिया, बच्चा आ भी गया, तो कल परसों 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपकी छोटी बहन की भी तो शादी होनी है। जब वो शादी होगी, जब रिश्ते वाले आएंगे पूछने के लिए, ये पूछेंगे कि उसका पहले किसी के साथ अफेयर तो नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? समझ में ये एक बच्चा करके बैठी हुई है, और ये जो आपके सामने बच्चा खेल रहा है ये इसका नहीं है, ये इसका है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है। कैसे समझाओगे आप उनको? कौन बताने जाता है किसी को? अच्छा। पहले कौन बताता है? बहुत बढ़िया कर रही हो। अरे क्या बढ़िया कर रही हो? अच्छा एक मिनट, आप तैयार हो अपनी साली को प्रेग्नेंट करने के लिए? मेरी बहन की तरह है भाई, वो इसकी बहन है तो मेरी बहन है। आपकी आपकी ये वाइफ और आप यहाँ पे फाइल लेके क्यों आए हो? मतलब क्या दिखाना चाहते हो आप जनता? भाई ये मेरे को ना धमकियां देती है कि डाइवोर्स दे दूंगी। क्यों? अब अच्छा एक बात, क्यों डाइवोर्स देगी? मैं अगर इसको, ये मेरे को ऐसे डाइवोर्स करेगी, ऐसी फालतू की बातें करेगी मेरी बहन के साथ करने के लिए, तो मैं, आप एक बात बताओ, दुनिया अगर मैं इसको डाइवोर्स दे भी दूं, दुनिया मेरे को थूकेगी नहीं कि ये बच्चा नहीं कर सकती थी तो मैंने इसको डाइवोर्स दे दिया? मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे? तो लोग आपको बुरा बोलेंगे, लेकिन आप तैयार नहीं हो अपनी साली को प्रेग्नेंट करने के लिए, आप इस एग्रीमेंट से तैयार नहीं हो। दुनिया क्या बोलेगी, हमें क्या क्या लेना देना, डजंट मैटर भाई। यहाँ पे आपने सारी बातें सुन ली, बच्चा मैटर नहीं करता। ये बहन जो है यहाँ पे एग्रीमेंट लेके आई है, यहाँ पे साइन करानी है इसको अपने पति के और अपनी बहन के, और बदले में 5 लाख रुपए देगी, क्योंकि इससे खुद से बच्चा नहीं हो रहा, तो ये चाहती है कि मैं एग्रीमेंट करा के अपने पति और अपनी छोटी बहन को अलग से छोड़ दूँ 2 महीने, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाए तो हमारे घर में बच्चा आ जाए। कल के दिन इसकी छोटी बहन की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उसका इसको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो 5 लाख रुपये अपनी सेविंग में से अपनी छोटी बहन को देने के लिए तैयार है, बदले में सिर्फ क्या चाहिए? बच्चा। क्योंकि डॉक्टरों ने बोल दिया कि ये कभी भी माँ नहीं बन सकती, जितनी सर्जरियाँ होती हैं, जितने भी काम शाम करने के होते हैं ना, सारे करवा लिए, लेकिन ये प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो इसने सोच लिया कि मेरी छोटी बहन प्रेग्नेंट होके मुझे बच्चा देगी, और बच्चे जो छोटी बहन को प्रेग्नेंट करेंगे इनके पति देव, और पति देव तैयार नहीं है, और यहाँ पर ये अपनी छोटी बहन को यहाँ पर बुलाने वाली है, उसको मनाने वाली है कैमरे के सामने के बहन ये एग्रीमेंट पे साइन कर, तेरे को अपने जीजू के साथ रहना पड़ेगा और बच्चा करना पड़ेगा। अब अगर इसकी छोटी बहन भी बुद्धि से बर्स्ट होगी ना तो इस पे साइन करेगी, नहीं तो वो इसके सामने थूक के जाएगी। वीडियो में आगे क्या होगा सारी चीज़ें आप देखना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इतना सारा प्यार देने के लिए दिल से शुक्रिया। हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में, आप अपनी छोटी बहन को बुलाओ। देखो मेरी बहन आ रही है, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, चुपचाप इस पे फाइल पे साइन कर देना, ठीक है, और अपनी सड़ी सी शकल मत बना के बैठो, मुझे मत बताओ तुम, ठीक है? ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए कुछ भी। कैसी है बहन? ठीक हूँ दीदी, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। कैसी हो जीजू? ठीक हूँ। बैठ जाओ। आपने इतनी जल्दी में बुलाया, क्या बात हो गई? हाँ बहन, तुझसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी थी। देख यार, मैं थोड़ा सा भी परेशान थी, तुझे तो पता होता है परेशान होती हूँ मैं, तुझे कॉल करती हूँ। क्या हो गया? वो पता है क्या, मुझे कुछ बताना है तुझे। बताओ बताओ। देख पता है क्या, डॉक्टर ने बोला है कि मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कोई नहीं कि कोई आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। सही में ऐसे ही बोला है डॉक्टर ने, मैं
तुझे बता नहीं पा रही, मैं परेशान हूँ बस, मुझे तुझसे ये बात तो आपको मम्मी पापा को बतानी चाहिए थी, आपने मुझे बुलाया। नहीं नहीं, मम्मी पापा को नहीं बतानी ये सब बातें, मैं मम्मी पापा को नहीं बताना चाहती, इसलिए मैंने तुझे बुलाया है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि बस मुझे तुझसे कुछ चाहिए है, तू ही मेरी बहन है, तू ही मेरी हेल्प कर सकती है, और कोई मेरा अपना नहीं मुझे लगता है। क्या चाहिए दीदी, बताओ आप मेरे को। पहले तो ये बोल कि तू मुझे किसी बात के लिए मना नहीं करेगी, मुझसे प्रॉमिस कर। हाँ हाँ, मैं नहीं करूँगी मना, बताओ क्या हुआ। चुप बैठेंगे क्या थोड़ी देर? देख बहन, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और तुझे, तू मुझसे बहुत प्यार करती है ना। हाँ हाँ। तू मुझे अपनी अच्छी दीदी मानती है ना। हाँ, मानती हूँ। तो पक्का तू मेरी सारी बातें मानेगी ना? मानूंगी। देख मैं चाहती हूँ ना कि ये एक मिनट रुक, ये देख। ये किस चीज की फाइल है? ये फाइल है, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ मत करो। आप चुप रहो ना दो मिनट। ये देख, इस पे तेरे को साइन करना है। इस पे पता क्या लिखा हुआ है? इस पे लिखा हुआ है कि तू मेरे साथ चलेगी मेरे घर पे, और मेरे हस्बैंड के साथ रहेगी जो भी 2-4 महीने, और जब तू प्रेग्नेंट हो जाएगी ना तो तू अपना बच्चा मुझे दे देगी, और उसके बदले में मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगी। मतलब आप ये चाहते हो कि मैं जीजू के साथ रहूं, जीजू से प्रेग्नेंट होकर आपको बच्चा दूं और आप मुझे 5 लाख रुपए दोगे? हाँ, ठीक है, मैं यही चाहती हूँ बस, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। कैसे सोच लिया आपने ये कि मैं अपने जीजू के साथ रहकर बच्चा करके मैं आपको दूं? प्रियंका, मैंने तुमसे यही उम्मीद की थी, मुझे लगा कि तुम इसकी तरह निकलोगी। सही किया तुमने, जो असलियत है ना वही, जो सच है वो सच, और जो रिश्ता होता है ना वो इसको पता है, तुमको नहीं पता चला आज तक। आपका दिमाग तेरी खराब है, क्या कर रही हो तुम? जब जीजू तैयार नहीं है तो तुम उनके साथ क्यों जबरदस्ती कर रही हो? तुम चुप रहो, ठीक है बहन? देख रही हो ना, तुमको ही पता ये गलत कर रही हो तुम। चुप रहोगे आप? हजार रास्ते और हैं, लेकिन तुम मानना नहीं चाह रही। मुझे कोई रास्ता नहीं अपनाना, मैं अपनी बहन को कन्विंस कर रही हूं ना। बहन है तो क्या, उसकी भी जिंदगी है। चुप रहो, चुप रहो। देख ये चीज गलत है। हाँ गलत है, मैं मानती हूँ। देख तू मेरी बहन, तू अगर मेरा साथ नहीं देगी तो क्या पड़ोसी मेरा साथ देगा आके? मैंने हर चीज में आपका साथ दिया है, पर ये चीज सही नहीं है। बट बहन, तू मुझसे इतना प्यार, तू मुझसे इतना प्यार करती, मेरी एक बात भी मान। मैं हर बात मानी है मैंने। तू यहाँ पे बैठ, तू यहाँ पे बैठ, तुझे पता है ना। देख मैं माँ नहीं बन सकती यार, मुझे अपना बच्चा चाहिए। मैं बहुत तरीके हैं माँ बनने के, बहुत तरीके नहीं, मैं किसी और का बच्चा अगर ले लूंगी ना तो वो मुझे वैसे प्यार नहीं करेगा। ये सही नहीं है, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? आप चुप रहो, ठीक है? आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी बोल के रखा, मेरी बहन है, मैं उसको समझा लूंगी, आप मत बोलो। अच्छा काम है ना ये, बहुत अच्छा काम। देख बहन, तू उसके साथ करूं? तू अपनी जीजू की बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दे, ये ऐसे ही है, ऐसे ही बोलेंगे। क्या आप अपनी एक्स के साथ नहीं रहते थे, उससे प्यार नहीं करते थे? तो वो बहन जैसी है, आपकी बहन नहीं है? आज तक हमारा रिश्ता भाई बहन का ही था हमेशा से। नहीं बहन, ऐसा नहीं होता, तू समझने की कोशिश क्यों? आप नहीं समझ रहे हो, तू अपनी बड़ी बहन को समझती है ना। आप अपने मतलब के लिए मुझे यूज करना चाहते हो? मेरा कोई मतलब नहीं। देख तू, तुझे तुझे पता है ना, अगर मेरा बच्चा हो जाएगा मैं खुश रहूंगी तो सब खुश हो पाएंगे ना, तू भी, तू अपनी बहन को खुश देख के खुश नहीं रहेगी? पर ये गलत है। क्या गलत है यार, मेरे को तुम लोग बताओ क्या गलत है? अगर मुझे मुझे अपनी बहन का बच्चा चाहिए तो इसमें गलत क्या है? और ये तेरे जीजू है, भाई नहीं है। मैंने हमेशा से उन्हें अपना भाई ही माना है। मानने से कुछ नहीं होता है, हमारा रिश्ता कभी गलत था ही नहीं। बट बहन, कभी बहन तुम क्यों नहीं समझ रही हो, ये गलत है दीदी। तू नहीं समझ रही, आप नहीं समझ रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, आप समझ भी रहे हो? मैं समझ रही हूँ, मैं राजी नहीं हूँ। तुमको क्यों पड़ी है इस चीज करने के लिए? क्योंकि मुझे तकलीफ हो रही है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, मैं परेशान हूँ। तो बच्चे करने के और भी तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। नहीं है, मैंने सबको सीखा है। अपनी फैमिली में जाना जरूरी नहीं है, ये तुम्हारी जिद है कि मुझे अपनी फैमिली से ही चाहिए। हाँ मेरी जिद है, मैं चाहती हूँ कि मेरे खानदान की बात खानदान में रहे, बाहर ना जाए, बाहर ना फैले, ठीक है? आप ये समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? आप नहीं समझ रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो, गलत है। देख बहन, कुछ गलत नहीं है, तू इतनी समझदार हो के ऐसी कैसी बातें कर सकती? आप मेरे से बड़े हो, आप खुद भी इतने समझदार हो, फिर भी आप ऐसी बातें कर रहे हो। अपनी बहन के बात क्यों नहीं मान लेती, तुझे पता ये गलत है दीदी। मतलब तुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं परेशान हूँ, मेरी लाइफ खराब हो रही है। तो बहुत तरीके हैं इस चीज के। क्या तरीके से करूंगा? माँ बाप पे क्यों जा रहे हो, माँ बाप से क्यों करोगे? नहीं ये बात मैं तुम्हारे माँ बाप से करूंगा। अच्छा तुम माँ बाप, अभी वो भी मना कर रही है, मैं भी मना कर रहा हूँ, फिर भी तुम अड़ी हुई हो। देख बहन, मुझे तो लगा था वो तुम्हारी बातों में आ जाएगी। देख हम, वो तो दिमाग है उसमें, तुम में नहीं है। आप चुप रहो। देख बहन, हम ना दोनों बहन की तरह रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, मैं तेरी देखभाल करूंगी जब तक तू प्रेग्नेंट रहेगी। नहीं, कभी भी नहीं। अरे यार ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं
नहीं समझ आप नहीं समझ रहे हो कि आप क्या बोल रहे हो। मैं सही बोल रही हूँ, इसमें क्या गलत है? तू बोलना क्या गलत है, मैं किसी और का बच्चा ले लूंगी, कल को वो मुझे लात मार के निकाल देगा। अपना होगा, अपना खून होता है ना, तो वो कदर करता है। और तू मेरी अपनी है, मुझे ये खुशी बस तू दे सकती है। नहीं, ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तुम भी इसका अपना खून हो ना, क्या कदर कर रही हो उसकी, उसकी आगे जिंदगी स्पॉइल नहीं होगी? अपने मतलब के लिए मेरे को इस्तेमाल किया कर रहे हो बहन, ये देखो भड़का रहे ये। नहीं, सही कह रही है वो, तुझे इतनी समझ नहीं है, ये बस तुझे भड़का रहे हैं। तुझे छोटी बहन में भी इतनी अक्ल है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तू तो ये बोल रही थी कि मैं अपनी छोटी बहन को मना लूंगी कि वो अपने जीजू से प्रेग्नेंट हो जाएगी। तेरी बहन तो तेरे सामने तेरे 5 लाख रुपए थूक रही है और सामने बोल रही है कि तो मैं जीजू को जीजू नहीं अपना भाई समझती हूँ। अच्छा लग रहा है तुझे बेइज्जती कराते हुए? अच्छा लग रहा है बहन की जिंदगी? आप गलत बोल रहे हो। आप खड़े हो ना बहन, सामने को बोल रहे, तुझे अच्छा लग रहा है? इधर इधर नहीं, आप अपनी बहन को अपने ही पति से प्रेग्नेंट करवाना चाह रहे हो हैं? तो क्या प्रॉब्लम है? ये आप जो पेपर लेके आए हो कि आपके ये कितनी थूक, आपकी बहन पता है कब आई है यहाँ पे? कब? आधे घंटे से आई है और ये बोल रही है कि मैं 5 लाख रुपए दूंगी अपनी छोटी बहन को और अपनी बहन को अपने पति के साथ 2 महीने रखूंगी, जब तक मेरी बहन प्रेग्नेंट नहीं होती उसकी देखभाल मैं करूंगी और मेरी बहन मान जाएगी, ये इसने बोला था। कैसे सोच लिया दीदी आपने ये कि मैं मान जाऊंगी? इस रिश्ते को आप क्या नाम दे रहे हो? अपनी बहन को अपने पति से प्रेग्नेंट करवा रहे हो, एक जीजे साले का आप ये संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हो कि वो अपनी साली को प्रेग्नेंट करे, इस रिश्ते को क्या नाम दे रहे हो? मैं क्या करूँ, पूरी जिंदगी ऐसे रह लूँ बिना बच्चे के? रह लूँ हजार तरीके। आपने, आपके डॉक्टर ने आपको क्या बोला कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते? आप बांझो, आपको बोल दिया आपके डॉक्टर ने क्या? बांझो बोल दिया कि आप बच्चा नहीं कर सकते? आपने बच्चे से ही, आपने डॉक्टर से ये पूछा कि कोई और तरीका है डॉक्टर साहब प्रेग्नेंट होने का, मुझे अपना खून ही चाहिए? आपने पूछा उससे? मैं बताऊं कि कितने तरीके प्रेग्नेंट होने के, बच्चा करने के? बताऊं आपको, कोई तरीका हो सकता है? 100 तरीके हैं। तू बहन नहीं समझ यार, आप अपनी बहन को ही यार वो कर रहे हो। पूरी कल के दिन इसकी शादी होगी तो इसका पति क्या बोलेगा? बुद्धि ना, जब ये अपने मान लो चलो आपके इसके पति, इसकी कल के दिन शादी होती है, इसके पति को नहीं पता लगता, ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी जिसकी प्रॉब्लम की वजह से इसका पति इसको हॉस्पिटल लेके जाएगा। वहाँ पे डॉक्टर ये बोलेंगे ना कि आपकी बहन तो पहले एक बच्चा डिलीवर कर चुकी है, उस टाइम पे इसका पति इसके साथ रहेगा या इसको डिवोर्स देगा? और तुम्हें ये तुम्हारा पति बोल रहा है कि तुम ये गंदा काम मुझसे मत कराओ, ये पैसों के बलबूते पे ये काम मत कराओ, तो तुम अपने पति को डिवोर्स देने के लिए बोल रही हो? साथ में अपने पति की जिंदगी खराब कर रही हो, साथ में अपनी छोटी बहन की जिंदगी खराब कर रही हो, और ये क्या लेके आई हो? ये सब क्या है? ये एग्रीमेंट लेके आई है, एग्रीमेंट पे साइन कराने के लिए लेके आई है क्या? ये किसी काम का नहीं है। ये क्या, ये एग्रीमेंट है? ये समझ में आ रहा है अभी? मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं, मेरे को अरे यार समझ आ रहा है कि वॉर है, हम देखेंगे ना यार। इसको डॉक्टर ने ये बोला है कि ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसको चाहिए बच्चा, बच्चे के नाम पे अपनी छोटी बहन की शादी करवा रही है अपने पति के साथ, बदले में प्रेग्नेंट होने के चक्कर में 5 लाख रुपए दे रही है और कैमरा लगवा रखा है चोड़ में, देख लो बहन कि आप, मेरी बहन मान जाएगी? आप कैमरा तो लगाओ, कैमरे के सामने बात करूंगी, मेरी जिंदगी तो बन जाए, बात की बाद में देखी जाएगी, ये तुम्हारी बहन है। आप ऐसे करोगे मेरे साथ? मैंने कभी नहीं सोचा था बहन, मैं क्या बोलूं, मैं खुद परेशान हूं, मैं मेरे को नहीं समझ आ रहा है, मैं अंधी हो चुकी हूं, मुझे कैसे भी एक बच्चा चाहिए। बहुत गलत है ये, अभी भी नहीं समझ रहे आप। सॉरी, मेरे को माफ कर दे बहन, बट मैं परेशान हो गई हूँ, मैं लोगों के ताने सुन सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं चाहती कि मेरा अपना बच्चा हो, बट वो मुमकिन नहीं है, नहीं हो सकता। लोगों का काम है बोलना। मुझे लगा था शायद तू मान जाएगी, इसलिए मैंने बोला था। हाँ, मुझे आपकी नहीं बोलना बहन था। मान जाएगी, वाह, अभी भी भाई बोलने में शर्म तक नहीं आ रही। एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को प्रेग्नेंट कराना चाहती है अपने पति से, बदले में 5 लाख रुपए देना चाहती है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, और ये एग्रीमेंट लेके आई है, एग्रीमेंट के बल पे प्रेगनेंसी कराएंगी। लो आपका एग्रीमेंट, तू करा रखी है तुमने मेरी? मैं क्या बोलूं, मुझे नहीं समझ शर्म आ रही है मेरे को ऐसी लड़की के साथ बात करने में। और जब पति इसका कहता है ना कि ये सारे काम नहीं करने,
तो अपने पति को कहती है अगर तू मेरी बात नहीं माना तो मैं तेरे को डिवोर्स दूंगी। भाई मजबूर कर दिया। और अगर ये कल के दिन इसको छोड़ता है तो दुनिया वाले ये बोलेंगे कि इसकी पत्नी तो जी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी तो इसने छोड़ दिया, तो सारे लोग इसके मुंह पे थूक करेंगे। एक लड़का ना जिंदगी भर परेशान रहता, जब वो पैदा होता है उसको ये नहीं पता होता कि वो लड़का, जब वो बड़ा होता है ना पढ़ने के बाद उसको ये पता लगता है कि पढ़ाई हो गई, अब तो भाई घर के लिए कमाना, घर के लिए कमाना है, घर का खर्चा निकालना, उसके बाद अपना खर्चा निकालना। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है ना तो उसकी शादी होने की दिक्कत होती है, तो शादी से पहले उसको अपना करियर बनाना पड़ता, अपना घर बनाना पड़ता, एक अच्छी जॉब में लगना पड़ता है, एक वो टेंशन। उसके बाद जब शादी होने वाली होती है ना तो शादी के लिए पैसे जोड़ने का टेंशन, और जब शादी हो जाती है अपनी पति पत्नी को सुख दे पाने का टेंशन, पैसा कमाने का, उसके सपने पूरे कराने का टेंशन। ये सारी टेंशन है सिर्फ एक लड़के को हो सकती है। और उसके बाद जब बच्चा हो रहा हो, बच्चा होने के बाद बड़े होते तक सिर्फ वो टेंशन एक लड़के तक ही सीमित रहती है, ना कि लड़का एक अपनी धर्म पत्नी को ये बोलता है कि आप जाओ जॉब करो, कि हमें पैसे कम पड़ रहे हैं तो तुम भी काम करोगी मैं भी काम करूंगा, दोनों इकट्ठे करके पैसा कमाएंगे घर चलाएंगे, कभी नहीं बोलेगा जब तक पत्नी खुद नहीं जाती। और जब तक पत्नी का खुद मन नहीं होगा ना काम करने का तब तक वो घर से भी नहीं निकलेगी। पति चाहे 20 बार ही बोले, जब तक इसका मन नहीं होगा ना जब तक ये अपने घर से नहीं निकलेगी, क्योंकि ये एक लड़की है और ये एक लड़का। भाई इसकी कोई गलती ना भी हो ना तो भी इसी की गलती है। कल आज भी ये घर जाएंगे ना तो इसकी गलती निकलेंगी कि तूने इसको समझाया क्यों नहीं, जबकि इससे जो हो सकता था इसने सब कुछ करा। जब भी इसकी गलती निकलेगी मेरे से लिखवा लो, क्योंकि हम लड़के हैं जनाब, हमारा दुख और हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता। सच बता रहा हूँ, किसी लड़के के साथ बैठो उससे पूछो क्या चल रहा है, क्या चाहता है, ये सारी चीज़ें पूछोगे ना वो रोने लग जाएगा। लेकिन खैर, आज एक सगी बहन ने सगी बहन को सिखाया, उसको बताया कि क्या सही होता है क्या गलत होता है। यही चीज़ें हम समझाने के लिए बैठते हैं ना तो लोग पता है क्या बोलते हैं, एक लड़की को समझा रहा है ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है। अगर अभी भी बहन समझ नहीं आई ना तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि हमें माफ़ कर दो, हम तो आपको समझा नहीं पाए, आपकी सगी बहन भी आपको नहीं समझा पाई, हम तो अपने कान पकड़ के आपके सामने बोलोगे तो बैठ भी जाएंगे, आपके हाथ पैर सब पकड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो आप काम करवा रहे हो ना ये पाप करवा रहे हो, ये पाप मत कराओ। मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अफसोस हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, I'm so sorry। मैं दुखी कर दिया है मेरे को, सॉरी, मैं आगे से अब नहीं करूँगी।